बेटा साउंड ओके मेरी मेक मी कन्फर्म बेटा साउंड ओके है भाई सभी को गुड मॉर्निंग मेक मी कन्फर्म बेटा एक बार साउंड ओके है बता दो मुझे जल्दी से ओके साउंड ओके पिक्चर ओके चलो तो भाई गुड मॉर्निंग इंडिया आप सभी का स्वागत है मैं राजीव महिंद्रा डेली के सलाय मुलाकात करता हूं आपसे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में गुड मॉर्निंग इंडिया सभी का स्वागत है जो भी लोग हमारे से जुड़ चुके हैं सस्टी गुड मॉर्निंग बेटा सिमरन गुड मॉर्निंग रश्मि गुड मॉर्निंग आराधना गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग असल राधे राधे और तृप्ति गुड मॉर्निंग बेटा सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सोम को जी गुड मॉर्निंग और हाउ द दोज ऑलवेज हाई और लगातार दो तीन दिन दिनों से बच्चे का डिमांड था कि सर जो करंट है उसको थोड़ा एक बार रिवाइज़ भी कराना है जरूरी है तो आज क्योंकि दिन सैटरडे है तो आज मैं लेके आया आऊँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले पाँच छः दिनों में नवंबर में लगातार न्यूज़ में रहा है ठीक है ना तो सबसे पहला काम क्या करना है लिंक को कॉपी करिए जहाँ तक हो सके इस लिंक को शेयर कर दीजिए ठीक है ना छोटा सा काम दे रहा हूँ ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ वहाँ ठीक है ओके चलो बेटा बेटानो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा सभी को भाई गुड मॉर्निंग सभी को भाई गुड मॉर्निंग ओके चलो और जो आज पहली बार सेशन में जुड़े हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मेरा नहीं आपका है ठीक है कुछ भी डाउट है यहाँ पर डालिए कुछ भी डाउट है यहाँ पर डालिए यहाँ पर दिन भर चलता है डाउट सेशन ठीक है और साथ में जी से रिलेटेड सारी इन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ है और साथ में कुछ भी नया अपडेट्स अगर हुआ है जो कैंडिडेट्स को जानना जरूरी है तो हम यहाँ अपलोड करवाते हैं तुरंत और साथ में यहाँ डेली होता है क्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो भाई जितने लोग भी देख रहे हैं मैं चाहता हूँ सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें ओके और कल संडे है कल आराम करना है और आज पूरा मेहनत करना है सभी लोग कॉपी में लेके बैठना दोस्तों ठीक है ना सभी लोग कॉपी में लेके बैठना और आप देखना कि आपका स्कोर कितना है कल बहुत अच्छा स्कोर रहा लोगों का कुछ आ, बहुत परफॉर्म अच्छा किए की। किया के स्कोर तो आउट ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन भी स्कोर थे भाई उन सभी को बधाई है चलो देखते हैं आज के सेशन में क्या मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहला ट ऑफ द डे बहुत जरूरी है मोटिवेशन लाइफ में दूसरा होमवर्क डिस्कस करेंगे तीसरा स्टैटिक ऑफ द डे डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट वन वीकली करंट अफेयर्स पे हम लोग फोकस करेंगे ठीक है चलो ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग तिवारी जी गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग सभी गुड मॉर्निंग एक बार तावर तो बैटिंग करो जहां तक वो सेशन को शेयर भी करो तो ठीक है बहुत मजा आने वाला है आज का थॉट सक्सेस की परिभाषा जरा समझना सक्सेस की परिभाषा अपने गोल को देखना अपने गोल को देखिए सी योर गोल अपने गोल को देखिए ठीक है अंडरस्टैंड दो लाइफ में जो बाधाएं हाँ आती हैं उसको फील करें समझिए क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर लाइफ में कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इट इज इंपॉर्टेंट जो भी डाउट है माइंड में आ रहा हूं उसको हमेशा क्या करिए क्लियर करिए चैलेंज को एम्बेस करिए कुछ भी हो जाए लाइफ में पीछे नहीं हटना है हमेशा ट्रैक पे रहिए हमेशा ट्रैक मतलब कहने का स्टूडेंट का जीवन जो होता है ना हमेशा ट्रैक पे होना चाहिए नहीं कि अभी दीपावली आ रही है तो इन्जॉय ज़्यादा कर लिया ऐसा नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आराम नहीं करेंगे यही बस होना चाहिए सभी लोगों का एंड हाउ द वर्ल्ड यू कैन एंड हाउ द वर्ल्ड यू कैन डू इट दैट मीन्स कहने का आप फील कराओ कि आप क्या कर सकते हो दुनिया में अपने लिए दिस इज़ कॉल्ड सक्सेस की परिभाषा यानी कि हर एक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो छुपा हुआ है आपके सक्सेस का मूल मंत्र है ना तो भाई सभी लोग ध्यान रखना सक्सेस की जो परिभाषा यहाँ लिखी है उसको बहुत ध्यान से समझना वो क्या कहता है उसको समझिएगा लाइफ में चीज़ याद रखना दोस्तों मेरा मानना है मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती है लाइफ में अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ टाइम लगता है है ना अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ टाइम लगता है कहते है नहीं है जितना सोना तपता है उतना खरा होता है तो तपिए जितना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा ठीक है चलो मैंने पूछा था कल राष्ट्रपतियों के नाम होमवर्क दिया था ठीक है ना तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए और बहुत लोग ये कह हैं कि बिडेन साहब हो गए बिडेन साहब अभी नहीं होंगे जो बिडेन साहब होंगे याद रखना जनवरी में होंगे यानी जनवरी 2021 से याद रखना वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे अभी नहीं है अभी कौन है डोनाल्ड ट्रंप हैं ठीक है और अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है नंबर दो जो नेपाल के हैं उनका नाम क्या है बेटा विद्या देवी भंडारी जी जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं चाइना लगातार है न्यूज़ में रहता है जी जिनपिंग पिंगजिंग पाकिस्तान न्यूज़ में कम रहते हैं आरिफ अलबी साहब रसिया ये तो भाई पता ही होगा आपको 2033 तक रहेंगे आ, रसिया के राष्ट्रपति फ्रांस की बात करें तो बहुत न्यूज़ में रहते हैं एमुअल मैक्रॉन दीज आर द जो मैंने कल का होमवर्क दिया था बहुत लोगों ने आंसर दिया बहुत लोगों ने आंसर दिया।, दिया मैं अपने को छुपा रहा हूँ ठीक है यस yes, शुभम बिल्कुल सही बोला आपने एवरीथिंग थिंग सम टाइम लाइफ में चीज़ें टाइम लेती हैं तभी परफॉर्मेंस आती है ना लाइफ में जितना परफॉर्मेंस अच्छी आएगी उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो कल बहुत लोगों ने आंसर दिया साक्षी पलक कृष्णा कुश्तीवारी रश्मि मैं सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी यहाँ नाम देख रहे हैं जितने नाम यहाँ पर इंडिया आपको देख रहे हैं समझना तो यहाँ सबके नाम होना चाहिए खुद में एक डेडिकेशन है कि आज मेरा नाम कितना छोटा सा टास्क है ना मैं लाइफ में मैं होमवर्क देता हूँ लास्ट में बस आपको उस होमवर्क का आंसर को क्या करना होगा बस लिखना होगा इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में कितना छोटा सा काम है जरा सोचिए और उस छोटे से काम के लिए आपका नाम नहीं आ रहा है कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों समझना तो एग्जाम की तो बात ही नहीं होगा एस एस सी सी एच एस एल की वैकेंसी आ गई है थोड़ा सा कमर कस लो एस एस सी के जो एस्पायरेंस हैं उनको याद रखना सी एच एस एल टू थाउजेंड ट्वेंटी की वैकेंसीज आ चुकी है ध्यान से रखना ठीक है यस yes. बहुत ही शानदार जितने लोग भी देख रहे हैं मैं चाहता हूं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे ताबड़तोड़ तो बैटिंग है ना और एक बार जल्दी से सेशन को क्या करना है लाइक करना है और बहुत प्यार से, से शेयर कर देना है ठीक है शेयर और लाइक बस छोटा सा काम कह रहा है आपका राजीव मिंटर सर है ना चलो आज का जो तो स्टैटिक हमने लिया है मैंने लिया है कुछ सुनो होगा अपने बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस होते हैं है ना तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे आज मैंने लिया है आंध्र प्रदेश की बर्ड सेंचुरी को ठीक है अगर मैं लेता हूँ टोपे का बर्ड सेंचुरी अभ्यारण्य यानी कि टोपे का पक्षी अभ्यारण्यँ पर है आंध्रा में है नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य यानी कि नीलापट्टू कहाँ पर है बेटा आंध्र प्रदेश में है पुलिकेट याद रखना ये तो बहुत बार बेटा रेलवे में भी आया है यानी कि रेलवे एन के लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद श्री पेनुसोला श्री नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है उसके बाद मैं बात करता हूँ उपलापड्डू यानी याद रखना दीज आर द फेमस बर्ड सेंचुरी जो कहीं ना कहीं कौन से स्टेट में होता है आंध्र प्रदेश में मैंने आपको क्या बोला स्टैटिक को कभी कम मत आ कि है जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उस गाय को पूछेगा भले ही दो नंबर आता है तो इससे दो नंबर के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना खासकर नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी और जो करेंसी होती हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा अब एक ही नंबर आता है बस उस एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ठीक है ओके रश्मि ब्लॉक हो गई हैं बेटा कोई बात नहीं आप अनब्लॉक हो जाओगी कोई शो नहीं है ठीक है तो जो भी भाई देख रहा है मैं सेशन को हमेशा कहता हूँ एक बार लाइक कर दो ठीक है तो आज हम लोगों ने कवर किसका किया आंध्र प्रदेश का मैंने पीछे में स्टार्ट किया था फिर रोक दिया था क्योंकि एग्जाम्स लगातार हो गए थे फिर मैं स्टार्ट कर दिया मैं स्टैटिक डेली कुछ ना कुछ आपको देते रहूँगा ठीक है आते हैं आज का एम सी क्यूपर सेशन पर ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फेयर रिजर्व इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताना है इनमें से किसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है मालदीप का सिक्किम भारत का पन्ना मध्य प्रदेश का अद्दू अटोल आ, किन को किया है मालदीप के याद रखेगा अगर मैं बोलूं तो ए नंबर भी है सी नंबर भी है और डी नंबर भी है इन तीनों को यूनोस्को ने शामिल किया है याद रखना बायोस्फेयर रिजर्व में ठीक है कैटेगरी में अब जरा समझना ध्यान से जो यूनोस्को है वो कहीं ना कहीं यूएन का ही पार्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको है ना अगर थोड़ा सा हम इसको देखें इसका आंसर हमारा क्या होगा तो ऑल एक्सेप्ट बी यानी आंसर हमारा क्या होगा बी ई नंबर इज़ द राइट आंसर यानी कि बिल्कुल सही है याद रखना बहुत लोगों ने कहा कि सही आंसर है बहुत ने कहा पन्ना पन्ना बेटा शामिल है पन्ना इस बार शामिल है याद रखना यानी मालदीप के दो ठो हैं मालदीप के कितने हैं दो है मालदीप का एक है मुल्ला और एक कौन सा है अड्डू अटोल यानी दोनों मालदीप के बेटा शामिल है एम का सिर्फ एक है इंडिया का एक है जिसका नाम है पन्ना जो एम में आता है ठीक है ना याद रखना पन्ना नेशनल पार्क भी है ओके चलो नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइन एम ओ यू विथ ग्लोबल एलायंस फॉर मास इंटरप्रेनरशिप टू डेवलप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैपेबिलिटी इन स्टेट एम एस एम ई निमें से किस राज्य ने राज्य के एम एस एम ई में व्यवसायिक क्षमता में आसानी विकसित करने के लिए ग्लोबल एलायंस फॉर मास इंटरप्रेनरशिप के साथ समझौता ज्ञापन पर स्तक्षर किए हैं याद रखना अभी हाल ही में जो स्टेट रहा उस स्टेट का नाम हमारा है क्या उसका नाम रहा पंजाब और देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं पहला तो गेम का फुल फॉर्म नोट कर लो गेम का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर द आंसर इस कॉल ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेनरशिप ये हुआ पहला पॉइंट दूसरा अगर मैं बोलूँ तो याद रखना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है वो याद रखना हमेशा वर्ल्ड बैंक ना लॉन्च करता है ठीक है अब अगर मैं बोलूं स्टेट कौन सा है जिसने किया है एमएसएमई के लिए अभी मैंने बोला ना जो एमएसएमई के लिए कही कहीं ना कहीं बहुत सारा डेटा आता रहता है ठीक है ना चलो अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है तो अगर मैं बोलूं पंजाब के जो गवर्नर का नाम बेटा है उनका नाम क्या है याद रखा बिल्कुल सही वीपी सिंह बादनोरे वहाँ के गवर्नर हैं और बहुत फेमस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैप्टन सभी को पता होगी चंडीगढ़ है ये वही पंजाब है जहाँ पर भी हाल ही में स्मार्ट कैंपेन चलाया गया था पता होगा आपको स्मार्ट कैंपेन क्या होगा यानी कि जो भी वहाँ के ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फोन दिया फ़ोन के माध्यम से वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है चलो ओके गुड अगला बहुत फेमस सुना होगा आपने आई का नाम डब्ल्यू का नाम ये नया आई है इसका नाम है प्लास्टिक प्रीमियर लीग आपको बताना है जो पी है जो पीपीएल है वह कौन से सिटी में आयोजित किया गया बहुत अच्छी न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंबिकापुर सूरत इंदौर दिल्ली इनमें से कोई नहीं आंसर क्या होगा यस yes. यस yes, रवि क्वारंटाइन है ठीक है चलो यानी याद रखना वो एक ही शहर हो सकता है इसका नाम है इंदौर पता होगा ना आपको इंदौर इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है नंबर वन अच्छा आपको ये भी पता होगा जो अंबिकापुर है इंडिया में सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सिटी में स्वच्छता के मामले में अगर मैं बोलूँ तो नंबर वन है ये भी आपको याद होगा सूरत नंबर टू पे आता है आपको ये भी याद होगा है ना तो अभी हाल ही में इंदौर में कैंपेन चलाया गया वहाँ के मुंसिपल कॉपोरेशन के द्वारा इसमें कहा गया चार टीम पार्टिसिपेट करेंगी प्लास्टिक प्रीमियर लीग में। ध्यान से समझना और पूरे इंदौर को 19 जोन में बांटा गया है ठीक है और 19 जोन को चार टीमों को दे दिया गया है रेडियो जॉकी इंदौर है वो इनक्रेज करते हैं सिटीजन को टू डोनेट मोर एंड मोर प्लास्टिक फ्रॉम रेडियो स्टेशन यानी कि आप अपने घरों से जो भी आपके पास प्लास्टिक है उसको वहां पे डोनेट करिए ठीक है द टीम दैट कलेक्ट द मोस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक इन दिस फोर्टी फाइव डेज और जो सबसे ज्यादा कलेक्ट करेगा उसको उस टीम का क्या बना दिया जाएगा विजेता यानी कि द आंसर इज कॉल प्रीमियर लीग कहाँ पर हो रहा है इंदौर में ये वही इंदौर है जहाँ इंडिया में स्वच्छता के मामले में उसको नंबर वन का दर्जा दिया गया था सेकेंड नंबर पर मैंने क्या बोला छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर स्मॉल सिटी के कैटेगरी में नंबर वन का दर्जा दिया गया स्वच्छता के मामले में ठीक है चलो गुड वेड वेरी गुड अगला अभी लगातार न्यूज़ में आया सर्व पावर एक इनिशिएटिव है आपको बताना है कि जो सर्व पावर है ये क्या है किसने स्टार्ट किया नीति आयोग ने सेबी ने आईआईटी कानपुर ने या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डी ने टी वेरी गुड टू ऑल द मेंबर्स वेरी गुड बहुत अच्छे सिमरन तिवारी जी सही बोल रहे हैं प्लस प्रिया बेटा बिल्कुल सही है सिमरन का भी सही हो गया ठीक है आकाश भी सही बोल रहे हैं उसके बाद आकांक्षा बेटा बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही बोला बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बेटा वेरी गुड टू ऑल द मेंबर्स अब जरा समझना अब जरा देखो कि सर पावर एक्चुअली है क्या समझना ध्यान से इसको पहले ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हमारा क्या हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता होगा आपको इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है हर्षवर्धन ये वही हर्षवर्धन है जो कहीं ना कहीं पता होगा आपको इंडिया में हेल्थ मिनिस्टर हैं है ना तो उन्होंने क्या किया द सिग्निफिकेंस ऑफ सर पावर जरा समझना है इसका फुल फॉर्म बड़ा यूनिक है साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन इन एक्सप्लोरेटरी सेशन यानी कि इंडिया में कहा गया जो भी वोमेंस हैं उनको हम रिसर्च में मोटिवेट करेंगे तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है सर्व का यहाँ फुल फॉर्म क्या होगा याद रखना जो सर्व का फुल फॉर्म हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसर्च एंड बोर्ड प्रमोटिंग दिस इज़ कॉल सर्व पावर जो बेसिकली किसी रिलेटेड है वोमेंस को सपोर्ट करना है वोमेंस को इनक्रेज करना है दिस इनिशिएटिव इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि याद रखना एक स्टैचु बॉडी है जो अपने रूप में काम करता रहता है ठीक है ना क्या क्या डेटा मिला पहला सर्व का फुल फॉर्म नोट कर लिया हम लोग ने इंडिया में साइंस के मिनिस्टर कौन है हर्षवर्धन साहब हैं और अगर आपको याद होगा सेबी की बात करूं तो जो सेबी के चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय त्यागी बिल्कुल याद रखना ये वही ये अजय त्यागी है अगर मैं बोलूँ जो इंडिया में जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट का चेयरमैन यानी कि पता होगा आपको सेबी आल्सो ऑल्सो रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट अच्छा आपको याद होगा ये वही आईआईटी कानपुर है जिसने सौ रुपए में बना दिया था क्या पीपीई किट नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा कौन रहते हैं हमेशा याद रखना देश का जो पीएम होगा वही इसका क्या रहता है चेयरमैन होते हैं ठीक है आगे नेक्स्ट वन कौन से स्टेट में बहुत न्यूज रहा है लगातार ये कौन से स्टेट में इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस को अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लॉन्च किया बहुत सही बेटा हम्म गुड केरला गोवा गुजरात या तमिलनाडु जरा समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ठीक है ना पहली बार ऐसा हुआ है उस स्टेट का नाम है गुजरात जहां पर फर्स्ट सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया है माननीय पीएम मोदी जी ने ठीक है अगर मैं बोलूं गुजरात की राजधानी क्या है तो गांधीनगर इसकी राजधानी है बिल्कुल सही है वहाँ के जो गवर्नर हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है विजय रूपानी जी हैं और वहाँ पे जो गवर्नर उनका नाम क्या है आचार्य देवव्रत जी हैं बिल्कुल सही है याद रखना वहाँ का जो स्टेट एनिमल है उसको कहते हैं एसटिक लाइन कहते हैं और साथ में कुछ बहुत फ़ेमस डैम है अगर मैं बोलूँ जैसे उकाय डैम मैंने कराया था याद रखना जो ताप्ती रिवर पर है उसके बाद धरोही डैम जो साबरमती रिवर पर है उसके बाद कदन्ना डैम जो माही रिवर पर है उसके बाद दांतीवाड़ा डैम जो बनास रिवर पर यानी कि यहाँ दो जी मिला यह हमें दो डेटा मिल गया पहला रिवर्स कौन कौन सी वहां पे फ्लो करती है और दूसरा वहां पे मेजर हमारे डैम कौन से हैं ठीक है, है ना चलो अगला अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया मेरी सहेली आपको बताना है जो मेरी सहेली इनिशिएटिव है वह किससे रिलेटेड है और उसको किसने स्टार्ट किया गुड बेटा रविवर बहुत बड़ा बहुत ही सही बहुत ही सही वेरी गुड टू ऑल मेंबर हम्म ठीक है गुड अब जरा समझना पता होगा आपको इंडियन रेलवे ने इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक इनिशिएटिव लिया है मेरी सहली सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए यानी कि याद रखना भारतीय रेलवे ने ये इनिशिएटिव लिया है इसमें क्या होगा आप इजिली वन जीरो टू पे डायल करें जो भी आर पी के जवान वहां पर होंगे तो ना आपकी सपोर्ट करेंगे वोमेंस की सुरक्षा के लिए अगला अभी हाल ही में हु एमोंग द फॉलोइंग सेंसन लोन अमाउंट ऑफ रुपीज एट फाइव जीरो फोर लाख टू कैरी आउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन गोवा अभी हाल ही में गोवा के लिए आठ हजार सौ चार लाख करोड़ रुपया जो है वो किसने दिया गुड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल मेंबर्स अगर मैं बोलूं इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमारा होगा नाबार्ड ने अच्छा मैं बोलूं अगर नाबार्ड के बारे में तो जरा देखना नाबार्ड बना कब बारह जुलाई 1982 में बनके तैयार हो गया अच्छा मैं अगर बोलूं कि एस कब बना तो क्या बोलेंगे एक जुलाई 1955 में बन गया बिल्कुल सही है अच्छा मैं बोलूँ अगर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करूँ तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बेटा याद रखना इसका हेड क्वार्टर बेटा चाइना में है ठीक है अगर मैं बोलूं एडीबी की बात करूं इसमें कितने मेंबर हैं तो मेंबर इसमें याद रखना 68 मेंबर हैं और इसका जो क्वार्टर है बेटा मनीला में है अभी एस बी ने ही नाबार्ड के साथ अगर आपको याद होगा एस ने ही नाबार्ड के साथ गुजरात में तीन एग्रीमेंट किए थे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज़ के लिए अगर आपको याद होगा ये वही एस है जिसने अभी हाल ही में टाइटन के साथ कॉन्टेक्ट पेमेंट के लिए एग्रीमेंट किया था अगर मैं बोलूँ नाबार्ड का हेडकॉर्टर कहाँ पर है तो आंसर हमारा क्या होगा मुंबई होगा गोविंदा राजूला चिंटाला जी उसके क्या हैं वर्तमान में चेयरमैन हैं बिल्कुल सही है द कैपिटल ऑफ गोवा इज कॉल पंजी है एंड द सी एम वहाँ के कौन हैं प्रमोद सावंत जी हैं और अगर आपको पता होगा जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिनका नाम है कोसियारी जी भगत सिंह कोसियारी उन्हीं को एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है कहाँ की गोवा की यानी कि दी जाए डेटा जो रिलेटेड है किसे नाबार्ड और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से ठीक है आगे चलते हैं पार्टनरशिप विथ विच बैंक लॉन्च वीजा डायरेक्ट विच इज इंस्टेंट पे आउट फॉर फिनटेक फॉर्म्स वीजा ने किस बैंक के साथ साझेदारी में वीजा डायरेक्ट लॉन्च किया है जो फिनटेक कंपनियों के लिए एक त्वरित भुगतान है येस टू ऑल द मेम्बर बेटा बहुत ही शानदार रश्मि वेरी गुड बेटा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आराम नहीं करेंगे आज एक नया स्लोगन जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग को आराम नहीं करना है बस मेहनत करते रहना है मानते हो कि नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आराम हम लोग को नहीं करना है फेस्टिवल आते हैं जाते रहते हैं लेकिन फोकस करना है हम लोग को अपने किस पे सिलेक्शन पे ठीक है ना याद रखना इसका आंसर हमारा आर बैंक अगर आपको पता होगा ये वही रत्नाकर बैंक लिमिटेड है इसको क्या कहते हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड बहुत कम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म रत्नाकर बैंक लिमिटेड अच्छा आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले यस बैंक ने एक नया एग्रीमेंट ऐप लॉन्च किया था इसका नाम है युवा ठीक है ना कोटिक महेंद्र आपको याद है बहुत फेमस हुआ इसी ने एक कैंपेन चलाया कोरोना सॉरी कोना 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 अकाउंट दैट मीनस इंडिया में हर जगह मेरा अकाउंट हो हर जगह कोटक महिंद्रा का अकाउंट हो इसने इनिशिएटिव लिया था अगर पता होगा आपको उदय कोटक जो इसके चेयरमैन हैं उदय कोटक जो इसके चेयरमैन हैं वो साथ में सी के भी चेयरमैन हैं ओके अगर मैं बोलूँ कि जो रत्नाकर बैंक लिमिटेड है इसका हेडक्वाटर कहाँ पर है तो याद रखना है इस हेडक्वाटर बेटा मुंबई में है पहला डेटा हो गया दूसरा अपनों का बैंक दिस इज कॉल्ड रत्नाकर बैंक टैगलाइन हो गया और जो वर्तमान में इसके सीईओ हैं, उनका नाम क्या है विश्ववीर आहूजा जो वर्तमान में है, अब रत्नाकर बैंक लिमिटेड के, ठीक है? चलो, मुझे बता दो मजा आ जाएगा अभी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन आए हैं उनका नाम क्या है बहुत आसान क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू यस दिनेश कुमार जी वेरी गुड टू ऑल मेंबर अगला अभी हाल ही में कौन सा यूटी विच यूनियन टेरिटोरी टॉप इन फिफ्थ एडिशन ऑफ पब्लिक अफेयर इंडेक्स दो हज़ार बीस बेस्ड ऑन गवर्नर यानी जहाँ पर अच्छी गवर्नरस होती है उसी के लिए एक इंडेक्स रिलीज होती है उसको कहते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स उसकी उसका रिपोर्ट आई है उस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कौन सा यूटी है जो इस बार पाँचवें साल भी नंबर वन पर है याद रखना बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो गया चंडीगढ़ अब ज़रा समझना द परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स का वो बेस्ड होता है तीन चीजों पे समझना पहला वहां इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है दूसरा वहां डेवलपमेंट कैसा हो रहा और तीसरा वहां पे कितनी स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट्स की पता चला छह महीने पहले दूसरी की सरकार दो महीने पहले किसी ऐसा नहीं वहां पे कितनी स्टेबिलिटी है नंबर वन वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट है नंबर दो और नंबर तीन वहां पे विकास के क्या मानदंड इन तीनों पैरामीटर पे ही याद रखना पब्लिक अफेयर इंडेक्स का रिपोर्ट बनता है और इस बार अगर मैं बोलूं तो चंडीगढ़ ऐसा यूटी है जो इस इंडेक्स में नंबर वन पे रहा है अगर मैं बोलूं कि हेड क्वार्टर ऑफ पब्लिक अफेयर सेंटर कहाँ पे तो याद रखना कर्नाटका के बेंगलुरु में है और अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है तो याद रखना के कस्तूरी रंजन वर्तमान में इसके क्या है चेयरमैन है ओके थोड़ा तो डिटेल देख लेते हैं अगर मैं बोलूँ एज ए लार्जेस्ट स्टेट तो याद रखना केरला को मिला है नंबर वन तमिलनाडु नंबर दो एंड आंध्र प्रदेश नंबर तीन यानी कि दी ज़्यादा टॉप थ्री हैं जहां पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स में इनको टॉप पोजीशन दिया गया है एज ए लार्ज स्टेट अगर मैं बोलूं एज ए स्मॉल स्टेट तो याद रखना गोवा नंबर वन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दूसरा मेघालय बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तीसरा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यानी दो चीज़ हमारा हो गया अगर पूछे कि इंडिया में ऐसा कौन सा बिगेस्ट स्टेट है जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में नंबर वन पे आता तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा क्या केरला वन नंबर तमिलनाडु दो नंबर एंड आंध्र प्रदेश नंबर तीन नंबर ठीक है एज अ स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या होगा गोवा हो गया दोस्तों मेघालय हो गया और तीसरा हमारा क्या हो गया हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर यूटी की बात कर ले तो, तो याद रखना एक हमारा क्या हो गया चंडीगढ़ हो गया वन नंबर पर है दूसरा पोडोचोरी हो गया तीन नंबर पे है और तीसरा छुप रहा है ये लक्षद्वीप हमारा तीसरे नंबर पर हो गया ठीक है चलो अगला गुड गुड टू ऑल जो भी देख देखना मैं चाहता हूँ बस ऐसे को लाइक भी जरूर कर लीजिए है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी अच्छा लगेगा अभी हाल ही में पी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत फेमस आरोग्य वन लॉन्च किया है मतलब स्टार्ट किया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य वन वन का उद्घाटन किया है ये वैन नहीं होगा इसको वन कर लो गलती से लिखा है वैन यानी कि ऐसा पार्क जहाँ पर आयुर्वेदिक ट्री लगे रहेंगे आयुर्वेदिक मतलब एक्सरसाइज के स्रोत होंगे दिस इज कॉल्ड आरोग्य वन का नाम दिया गया है अभी हाल ही में मोदी जी गए थे वहाँ पर ग्रहण करने उसका नाम है नर्मदा क्या नाम है उसका बेटा नर्मदा वेरी गुड टू ऑल द मैम वेरी गुड बेटा बहुत ही सही शानदार जरा देख लेते हैं इट वॉज इनोग्रेटेड बाय पी नरेंद्र मोदी इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट द वन इज सेटअप यानी पूरे सत्रह एकड़ में ये वन बना है बेटा ठीक है जो कि डेवलप किया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योगा आयुर्वेद एंड मेडिटेशन द आरोग्य वन फीचर थ्री एट्टी जरा समझना करीब यहाँ पर तीन सौ अस्सी प्रकार की मेडिकल प्लांट्स एंट्री पाए जाएंगे जरा सोचो एक बार इस पार्क में अगर आ गए तो कितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों है ना एक्सरसाइज करने के लिए योगा करने के लिए ठीक है चलो गुड टू ऑल हु एमोंग द फॉलोइंग वन फॉर्मूला वन एमिला रोमागाना ग्रैंड पिक्स 2020 ट्वेंटी निम्नलिखित में से कौन ए एफ एमिलिया रोमागाना ग्रैंड पिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी जीता है ये मैं पूरे वीक का रिवाइज बेटा करा रहा हूँ ठीक है वीकली के फॉर्म में यस yes, रश्मि बिल्कुल सही बोला तीन और रहे रफेल आए हैं गुजरात जामनगर में आए हैं गुड ठीक है गुड याद रखना अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ये ग्रांड पिक्स जीती है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम में बता रहा हूँ जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है नॉलेज ऑफ द डे के रूप में याद रखना टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन पेनेडेमिक यानी कि याद रखना ये बुक का नाम है Till in we विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन बुक का नाम है दिस इज कॉल्ड बुक इसको लिखा किसने है रणदीप गुलेरिया साहब को रिटेन बाय चंद्रकांता लहारिया एंड गगनदीप कैंग यानी कि याद रखना कभी कभी कुछ बुक्स पूछे जाते हैं एग्जाम जिससे मैंने बहुत पुराना बुक पूछ लिया लेकिन ये न्यूज में रहा लगातार इसलिए मैंने इसको आज लाया है ठीक है दूसरा अगर मैं बोलूं तो याद रखना पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी पेंडेमोम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी इस बुक का नाम है और इसको लिखा किसना है तमल बंदोपाध्याय तमल बंधोपाध्याय ठीक है, है? चलो आगे आते हैं वॉट इज द नेम ऑफ द गेम गेम का नाम क्या है जिसको अभी हाल ही में आई टी मद्रास ने लॉन्च किया है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड नाइन्टीन वायरस एमोंग चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस के लिए अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक गेम लॉन्च किया है फॉर अवेयरनेस कोविड नाइन्टीन उसका नाम क्या है यस टू ऑल वेरी गुड हम्म जरा देखना उसका जो आंसर होगा उसका आंसर बेटा क्या होगा आई आई टी एम गोविड गेम आई आई टी एम गोविड गेम उसका नाम है अच्छा मुझे बता दो जरा मजा आ जाए अभी तक कोविड नाइनटीन को के अवेयरनेस के लिए विश्व में या इंडिया में अगर कोई गेम बना है उसका नाम अगर आप बता दो मजा आ जाएगा यस टू ऑल द मेंबर्स हम याद रखना दो गेम ऑलरेडी बन चुके हैं एक का नाम क्या है जरा देखें कैन यू सेव द वर्ल्ड दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट कोविड 19 गेम विच वॉज लॉन्च द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शायर और साथ में हमारे देश में भी लॉन्च हुआ है कोरोना फाइटर एक अवेयरनेस वीडियो गेम है जो कि डॉक्टर हर्ष प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था याद रखना यह तीसरा है दिस इज कॉल्ड थर्ड गेम जिसको किसी आई ने डेवलप किया है बच्चों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन के लिए ठीक है गुड वेरी गुड टू ऑल इन विच स्टेट वॉज फोर्टी राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च अभी हाल ही में कौन से राज्य में चावल वितरण योजना के तहत लोग शुरुआत की गई आसाम केरला बिहार या छत्तीसगढ़ आंसर हमारा क्या हो गया छत्तीसगढ़ जैसे पता होगा आपको छत्तीसगढ़ में जो कुपोषित वाले बच्चे हैं जो स्टारवेशन वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं तो उन्हीं को देखते हुए वहाँ पर जो गवर्नमेंट वहाँ की है वो क्या कर रही है जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने क्या किया है कि जो अंकुरित चावल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ठीक है ना वहाँ के गवर्नर कौन है उनका नाम है अनुष् अनुसुईया यूके और अगर मैं बोलूँ कुछ बहुत फेमस डैम है छत्तीसगढ़ में जैसे टांडोला डैम अलमाती डैम कोरी डैम बैंगो डैम दुदहा डैम और गंगरेल डैम यानी कि दी ज़्यादा फेमस डैम जो छत्तीसगढ़ में अगर आपको याद होगा दुदहा का एक नेशनल पार्क भी है जो दुदबा का एक नेशनल पार्क भी है बेटा जो कि यूपी में है और इस बार ये एग्ज़ाम में भी आया था एस के ठीक है ना चलो वेयर वॉज न्याय कौशल इंडिया फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट जिसको भी हाल ही में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सरद अरविंद बोबडे जी उन्होंने लॉन्च किया है यस yes. बिल्कुल सही बोला रवि आपने छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा भी कहते हैं बिल्कुल सही छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा भी कहते हैं उस स्टेट का नाम क्या है जरा सोचना इंडिया का पहला वर्चुअल कोर्ट इंडिया का पहला वर्चुअल कोर्ट जो कि किसको लॉन्च किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरद अरविंद बोबड़े जी जो एम के हैं ठीक है, है ना इसमें क्या कहा गया इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्सेज सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट फॉर महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट जरा समझना जो महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनके जो केसेस हो रहे हैं वो भी इस कोर्ट में सुनवाई होंगे एट जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर यह है भारत का पहला ई संसाधन केंद्र है और न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान है जो नागपुर महाराष्ट्र में है जो बेसिकली किसे रिलेटेड होगा वर्चुअल कोर्ट के फॉर्म में ठीक है चलो अगला बहुत आसान है ये अभी हाल ही में बहुत फेमस क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सेन वॉटसन उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले लिया है आपको बताना है वह कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं यस बट बहु, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बट वेरी गुड नागपुर महाराष्ट्र इज द राइट आंसर बिल्कुल सही चलो बिल्कुल सही है लोगों का आंसर आ भी किया आंसर इस कॉल हमारा क्या होगा ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर अगर मैं बोलूं न्यूज ऑफ द नेशन जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा देखिए जरा क्या है अभी हाल ही में मिशन सागर द्वितीय स्टार्ट हुआ है जरा समझना क्या है ये ठीक है जो मिशन सागर है अंडर दिस मिशन अंडर दिस मिशन अगर मैं बोलूं द इंडियन नेवल एयरवेट इंटर पोर्ट सुदान विथ हंड्रेड टन ऑफ फूड यानी कि टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन सागर टू प्रोवाइड फूड असिस्टेंट यानी कि हमारी जो भी नेबर्स कंट्री है वहां पे अगर किसी को भी दिक्कत है ये है, खाने को लेकर ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है मिशन सागर द्वितीय याद रखना असिस्टेंट सपोर्ट टू द फ्रेंडली फॉरन नेशन हु आर अफेक्टेड ड्यू टू पैनेडेमिक यानी कि उन राष्ट्रों में हम फूड की मुहैया करा रहे हैं और उसका कैंपन का नाम क्या है मिशन सागर द्वितीय याद रखना ठीक है चलो आगे चलते हैं वॉट इज द नेम ऑफ सुबर ताइफान बहुत फेमस अभी ताइफान आया है विच वॉज हिट द साउथ ऑफ फिलिपींस मेन आयरलैंड ऑफ लूजान सुपर टाइफून का नाम क्या है जो फ़िलीपींस के दक्षिण में लुजान के मुख्य द्वीप से टकराया है ठीक है जो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है अगर हम लोग नाम को देखें तो उसका नाम है याद रखना टाइफून गोनी क्या नाम है उसका बेटा टाइफून गोनी इज़ द राइट आंसर अगर मैं बोलूँ फिलिपींस की राजधानी क्या होगा तो बेटा मनीला है बिल्कुल सही है और वहाँ पे करेंसी क्या चलती है तो करेंसी वहाँ पे चलती है याद रखना पेसो चलती है और साथ में इट इज़ क्लेम समझना ध्यान से इट इज़ क्लेम टू बी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफोन ऑफ टू थाउजेंड यानी दो का जो सबसे मोस्ट पावरफुल टाइफोन आया है चक्रवात वो कौन सा आया है फिलिपींस की राजधानी मनीला के पास टाइफोन गोनी गोनी याद रखना गोनी से याद रखना ठीक है गोन इज द राइट आंसर अगला हु फॉलोइंग लॉन्च ए आई टूल अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा आपने टूल नेम एज इंटेलिजेंट डैमेज डिटेक्शन एस्टिमेशन एंड असेसमेंट सोल्यूशन यस वॉट इज द आंसर वॉट इज द आंसर गुड गुड अरिजी बेटा गुड पलक वेड बहुत सही बेटा विपिन यादव जी ने कहा यस सी इज़ द राइट आंसर बिल्कुल विपिन सही है आप अनिकेन जी भी सही बोले ठीक है पलक ने भी सही बोला ठीक है अब जरा समझना ये क्या है अभी हाल ही में पहली बार एच डी एफ सी इर्गो जनरल इंश्योरेंस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ये आप विब बनाया है इसका नाम है ए आई का नाम याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और उसने एक नाम दिया है उसका आइडिया जरा समझना इस आइडियाज का फुल फॉर्म है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट डैमेज डिटेक्ट करेगा एस्टिमेट करेगा एंड उसको असेसमेंट भी देगा और सोल्यूशन दिस इज कॉल्ड आइडियाज कैसे याद रखना आइडियाज एच एफ सी बैंक और साथ में ए आई हेडक्वार्टर कहां पर है बिल्कुल कहां पर है मुंबई में है बिल्कुल सही है हाउसिंग development finance corporation और अगर मैं बोलूँ वर्तमान में इसके कौन है सीईओ उनका नाम है मिस्टर रितेश कुमार इज द राइट आंसर जरा सोचो अब जो भी चीजें अपडेट्स होंगी वो सारा कैसे होगा ऑटोमेशन के फॉर्म में अगला अभी हाल ही में अमंग व्हिच नेशन आल मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुआ है 2020 का बहुत फेमस क्वेश्चन बहुत ही बेटा शानदार मालाबार एक्सरसाइज 2020 कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है मैंने सारी एक्सरसाइज करवाई हैं जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा मुझे लिंक दीजिएगा मैं आप लिंक दूंगा मैं आप देख लीजिएगा ठीक है ओके अब जरा समझना पता होगा आपको आ, इंडिया यूएस और जापान इन तीनों के बीच में पहले होता था नेवल एक्सरसाइज ठीक है और अगर आपको याद होगा इसी नेवल एक्सरसाइज में है ना अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ है यानी अब कितने हो गए कंट्री टोटल चार यानी कि माला मार जब भी कहीं आएगा तो याद रखना इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए मुझे बताओ जल्दी से बड़ा फेमस है मुझे बता दो इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा है उसका नाम बता दो मुझे मुझे बता दो जल्दी से इंडिया और रशिया के बीच में मुझे पता है कि आंसर मुझे मिल जाएगा इंडिया और रशिया के बीच में उसका नाम बताओ और मुझे बताओ इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है उसका नाम बताओ यस वेरी गुड बेटा ओम प्रकाश बिल्कुल सही बोला इंडिया बिल्कुल ठीक है hmm. आंसर क्या होगा इंडिया रसिया इंडिया फ्रांस मुझे उम्मीद है कि आंसर मुझे आ जाएगा hmm. गुड शक्ति वरुण गार्ड देखो आ गया गरुर आ गया बिल्कुल ठीक बेटा रसिया आ गया ठीक है हाँ बेटा प्रांजल गुप्ता जी बेटा गुड मॉर्निंग इंद्र भी आ गया देखो रसिया इंद्र भी आ गया और गुरूर आ गया फ्रांस ओहो बहुत सही बहुत सही शानदार वेरी गुड मुझे पता था ये क्लास वेरी टैलेंटेड क्लास आंसर दे देगी याद रखना द नेवीज़ ऑफ इंडियाज द यूनाइटेड जापान एंड ऑस्ट्रेलियाज इन्होंने अभी चार दिन का एक एक्सरसाइज एक स्टार्ट किया है मालामार नेवल एक्सरसाइज इन द वे ऑफ बंगाल में ठीक है चलो अगला सी सी आई ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है एक्वाजिशन ऑफ भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय यानी कि कौन सी कंपनी एक्वाजिशन भारतीय जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर करेगी जिसको फाइनली अप्रूव दिया है किसने सीसीआई ने यस yes. उसका आंसर बेटा क्या हो गया? सी लोमपार्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब टेक ओवर करेगी किसको याद रखना एक्वाजिशन ऑफ भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ठीक है अगर मैं बोलूं कि वर्तमान में जो भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो कहाँ पर हेडक्वार्टर बेटा है मुंबई में बिल्कुल सही है जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो चेयरमैन हैं या सीईओ ई हैं उनका नाम क्या है संजीव स्रीनिवासन बिल्कुल ठीक है उसकी टैगलाइन क्या है अगर मैं बोलूं तो याद रखना सुरक्षा का नया नज़रिया मैं फिर से बोलूं, सुरक्षा का नया नज़रिया ये टैगलाइन है बेटा याद रखना भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अगर मैं बोलूँ कि आई सी का अगर मैं बोलूँ हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई में है बिल्कुल सही है और उसके एम डी कौन है उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता जी बिल्कुल ठीक है और याद रखना टैगलाइन से क्वेश्चन आते हैं जो टैगलाइन है इसका नाम क्या है क्विक ईजी स्मार्ट दिस इज कॉल्ड टैगलाइन ऑफ आई सी आई सी आई बैंक सॉरी आई सी आई सी जनरल इंश्योरेंस ठीक है चलो अगला बहुत आसान वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाते हैं यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब चिन्हित किया जाता है yes. hmm. याद रखना आंसर हमारा क्या हो गया हर साल पांच नवंबर को मनाते हैं क्या विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ठीक है अगला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट निम्नलिखित में से किसने मेघालय में बिजली वितरण में सुधार के लिए एक मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी अभी हाल ही में दी है उसका नाम क्या है एडीबी ने दिया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है वर्ल्ड बैंक ने दिया है ओपेक ने दिया है या कोई नहीं क्या होगा आंसर यस वेरी गुड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है याद रखना बहुत न्यूज़ में रहता है जिसने हाल ही में मेघालय में एक दशमलव आठ मिलियन डॉलर दिया है किस लिए दिया है याद रखना फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ठीक है ना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुझे बता दो जरा जल्दी से कि इसमें कितने मेंबर हैं मुझे बता दो वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बता लोगे मुझे बताओ जल्दी से ज़रा कि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में कितने मेंबर हैं मुझे बताओ जल्दी से वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं हम्म hmm. अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड बैंक के बारे में तो पता होगा आपको 1945 में बन के तैयार हो गया इसके पांच हेल्पिंग हैंड्स हैं जैसे आई जैसे आई जैसे आई जैसे बेटा मुईगा और जैसे बेटा आई आपको ये भी पता होगा वर्ल्ड बैंक में यहाँ एक कहते हैं दूसरा नाम तो वर्ल्ड बैंक के जो हेडकोटर है बेटा वो कहाँ पर है वाशिंगटन डीसी में हेडक्वाटर है और डेविड साहब पता होगा आपको इसके क्या हैं डेविड मालपासा इसके वर्तमान में क्या है बेटा चेयरमैन है और मेंबर कितने हैं याद रखना 189 एट्टी नाइन हैं मेंबर कितने हैं 189 एट्टी नाइन इसमें है? हो चुके हैं वेरी गुड बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार वेरी गुड और ए डी में भी कितने हैं टोटल वन जीरो थ्री हैं ठीक है अगर मैं बोलूं कि हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ मेघालय तो आंसर क्या होगा ज़रा देखिएगा जो मेघालय की कैपिटल है उसका नाम क्या है सिलोंग है बिल्कुल सही है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है गौनरथ संगमा सी संगमा कहते हैं फेमस किस नाम से है सी संगमा इज द राइट आंसर ठीक है, है ना और वहाँ पे अभी पता होगा आपको यही सत्यपाल मलिक हैं जो पहले गोवा में थे वहाँ से कहाँ गए हैं मेघालय में गए हैं ठीक है चलो आज का जो होमवर्क है बड़ा प्यारा होमवर्क है आपको बताना है सी आई 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 बी ए एरडा यूपीएससी और फिक्की के हेड कौन हैं यानी आपको बताना है सभी के हेड कौन हैं हेड कह लो चेयरमैन कह लो जो भी आपको आसान लगे मिल जाएगा ठीक है ना और कहाँ देना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आज उम्मीद करता हूँ कि कम से कम मुझे इतने लोगों का आंसर आएगा कि मैं मुझे कम से कम पाँच से सात स्लाइड मुझे दिखाना पड़े मैं ये चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जीते जो प्रयास कर रहा है ठीक है ना और कुछ भी डाउट है कुछ भी डाउट होता है आप यहां जरूर अपडेट रहिए इस ग्रुप में ऐड हो जाइए आप टेलीग्राम में सर्च करोगे एट द रेट राजीव महेंद्रा जी ग्रुप में जुड़ जाइए ठीक है ना कोई भी कष्ट है कोई भी कष्ट है कोई भी बाधा है और कोई भी दुख है तो आप यहां डालिए आपको उम्मीद करता हूं आंसर जरूर मिलेगा ठीक है चलो और अगर चैनल अगर लगा आपको कि कुछ ना कुछ रिवाइज आपका हुआ है तो प्लीज़ ये चैनल को आप जरूर क्या करें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें तो थैंक यू ट्रॉल और टेक केयर बाय बाय हैप्पी संडे मुलाकात होगी मंडे को और मंडे को मैं लेके आ रहा हूँ याद रखना रैपिड फायर वन आवर का सेशन होगा लगातार उसमें क्या करेंगे हम लोग टॉप फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन कहीं से भी होंगे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है मंडे को याद रखना सभी को बता दीजिए टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू मैं डिस्कस करने वाला हूं मंडे को तो तैयार रहना सभी लोग देखना है मुझे किसका इसको किसमें है